हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 20 मई और मैं अभी पैदल सिमरी बख्तियारपुर जा रहा हूँ। हाथ में हेलमेट देख सकते हैं और साथ में क्लोथिंग। और आज सुबह 5 बजे ही मैं जगा, एकदम राइट टाइम। उसके बाद खड़े सोना, फिर स्नान वगैरह किए और स्नान वगैरह करने के बाद हम सभी पंचों को बुलाने गए, क्योंकि शनिवार को जो पंचायत था उस पंचायत में भैया क्या किए, पहले जो डिसीजन था जमीन घर का वो सारा फैसला हो चुका था, जैसा कि पिछले वाले ब्लॉग में हमने बताया। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 अप्रैल को बैठक हुआ था और 3 अप्रैल को बैठक में फैसला ये हुआ कि छत वाला जो मकान है वो मकान कौन खरीदेगा। तो वो छत वाला मकान का दाम लगा था 1,50,000 रुपया और 2 धूर जमीन, यानी कि 2 रूम का दाम 3 लाख और जमीन 4 धूर, तो 1.5 लाख मेरे घर का, 1.5 लाख जितेंद्र यादव के घर का, 2 धूर मेरा जमीन, 2 धूर जितेंद्र यादव का जमीन। तो सारा फैसला हो गया और बगल में कुआं है, कुआं के पास जमीन है, तो कुआं का जमीन जो है 22 धूर जो है टोटल मिलाकर के जो है बताया गया सबको जो उतना है, उसमें से 4 धूर जमीन माइनस कर दिया गया छत वाला जमीन, तो बचा 18 धूर में 9 धूर मेरा और 9 धूर जितेंद्र यादव का। और 9 धूर का जो कीमत है वो 12,000 रुपया पर धूर लगा था, 1,08,000 रुपया जमीन का। तो 1,50,000 रुपया घर का कीमत है, 1,08,000 जमीन का, 1,50,000 में से 1,08,000 माइनस कर दिया गया, बचा 42,000। तो बताया गया कि 42,000 रुपया जो है ये पूरा वार्डन जितेंद्र यादव को देगा, तब जो है पक्का वाला घर या पूरा वार्डन का हो जाएगा और जमीन जो है कुआं के पास वो जितेंद्र यादव का हो जाएगा। मैं तैयार हो गया, फिर यहाँ पर जो बीच पर जो जमीन है जहाँ पे अभी जितेंद्र यादव रह रहे हैं उस जमीन पे जो है वो घर बनाए हुए हैं, तो वो मिट्टी उनका कहना था कि 150 टेलर है, तो पंच ने कहा 200 टेलर, 100 टेलर का 350 रुपया पर टेलर के हिसाब से 35,000 रुपया। तो हमने क्या किया, वो भी 35,000 रुपया देने के लिए तैयार हुआ। तो 1,50,000 रुपया घर का और 1,08,000 मेरे जमीन का, 9 धूर जो हम उसको दिए कुआं के पास वाला, तो 42,000 देना था और 35,000 उधर। तो उसमें क्या किया पंच, बोले कि 42,000 नहीं, तुम जो है घर का मैं 50,000 और दो, यानी कि 1,50,000 रुपये जो घर का कीमत लगा था देने का था उसमें 1,58,000 रुपये हमने दिया। फिर उनका कहना हुआ ठीक है हम घर ले लेंगे, उसी दिन 3 अप्रैल को ही बोले ठीक है आप घर ले लीजिए। फिर बाद में वो अपने घर फोन किए, पूछे समझे बूझे, फिर उनका कहना हुआ क्या हम घर नहीं लेंगे, हमको पैसा दे दीजिए। हमने क्या किया, 7 तारीख को, 3 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल को डॉक्टर राजीव रंजन जी के यहाँ गए, 25,000 रुपये उन्होंने कर्ज ले रखा था, उनका सूद और ब्याज जोड़ करके 48,500 रुपये हो गया। तो भैया क्या किए, चांद बाबू, डॉक्टर राजीव रंजन जी और सीबी यादव, मैं, इन सबों के सामने 48,500 रुपया जो है उन्होंने हमसे जो है, हम डॉक्टर राजीव रंजन जी से बोले कि वो पैसा मेरे नाम पे कर दीजिए। 20,000 रुपया उसके अकाउंट में डाला गया, 16,500 रुपया उसको कैश दिया गया, यानी कि कुल 85,000 रुपया 7 मई को उसको दे दिया गया। 1 महीना का समय था, 3 मई को जो पंचायत हुआ था, सॉरी 3 अप्रैल को, उसमें कहा गया था कि पैसा अगर पहले दे देंगे तो हम घर खाली कर देंगे। हम बोले, पंच लोग बोले कि पहले तुम खाली कर दो उसके बाद जो है तुमको पैसा दिया जाएगा। बोले कि नहीं, अगर पहले पैसा देते हैं तो काम करना ठीक रहता। बोले कल भी देना है, 1 महीना के बाद आज भी देना है, तो हम इसको पहले दे देते हैं। तो हमने क्या किया, 7 अप्रैल को ही उसको 85,000 रुपया दे दिया। उसके बाद इन्होंने ना घर खाली किया ना कुछ किया। उसके बाद बीच में 15 से 16 अप्रैल के बीच जो है इन्होंने जो है इनका फैमिली लोग जो है गाली गलौज करने का काम किया। फिर बैठक हुई और बैठक में हमने इस बात को रखा कि इसको खाली करवाया जाए। तो सभी पंचों का कहना होगा कि जब समय पूरा जाएगा तो समय पूरा जाएगा उसके बाद खाली करवाएंगे, अभी तुम कुछ मत बोलो। समय पूरा गया, 1.5 महीना हो गया, फिर से बैठक हुई और जब बैठक हुई तो जितेंद्र यादव कहना हुआ कि घर हम ले लेंगे। हम उसमें भी तैयार हो गए, ठीक है आप घर ले लीजिए। बोले कि सोच समझ लेना, शनिवार रविवार को उस समझने का मौका दिया गया और कहा गया कि अब तुम बैठाना, लेकिन उन्होंने पंचायत नहीं बैठाया। फिर आज सोमवार है, आज सवेरे 5 बजे से हमने लोगों को बैठाया और 12 बजे तक खटा और जितेंद्र यादव जो है उस पंचायत में अनुपस्थित रहे और उनका जो परिवार है उसकी जो वाइफ है वो पंचायत में उपस्थित हुई और उनका कहना हुआ कि हम जहाँ हैं वहाँ हैं, जो हमारा जगह है वो हमारा जगह है, सब अपना अपना जगह में रहे, छत को तोड़ दे मेरे हिस्सा का जो बनाया हुआ है। बोले ठीक है नहीं लीजिएगा तो यही सही। तो 85,000 रुपया आज शाम का डेट जो है बोला है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 बज रहा है। और आज मैं अपने तीनों बहन भाई से, हमारा रिश्ता खत्म ही था, जो मेरी तीनों बहन है उनसे, माँ बाप से, सबों से रिश्ता आज हम खत्म करने जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स है और आजीवन जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ना मेरे को बहन है
ना मेरे को भाई है, ना मेरे को माँ और ना मेरे को बाप है, किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा व्लॉग या पूरा वाडर व्लॉग्स, बस आपका प्यार बना रहना चाहिए। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मैं जलसीमा भी गया देवराज जी के यहाँ, मैं सौरिया पहुँच चुका हूँ, थोड़ी देर में दान चकला पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए दान चकला में पहुँच चुका हूँ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गंतव्य स्थान मणिकांत बाबू के यहाँ, काफ़ी लंबे समय से इनका इंतजार था, यही है मणिकांत बाबू। तो अभी मैं हूँ समदा बाजार में और मेरे साथ है मणिकांत बाबू, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। गलती सिर्फ इनका है कि शादी होती है तो उसने हम लोग को इन्वाइट नहीं किया, किए थे हम लोग भी जाते, काफ़ी मस्त आदमी है। आज इनके घर रुकने हम लोग फिर सवेरे निकलेंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो इस व्लॉग यहीं करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय एंड टेक केयर।